देखिए मोहिनी आंटी, ये सब झूठ है। कोई कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर आप ही सोचो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो अभी बात भी नहीं शुरू की और तुमने ऑलरेडी सफाई देना शुरू कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला मैं क्या बात करने वाली हूं? तुम्हें आइडिया भी है कि पिछले 15 दिन में मुझ पर क्या गुजरी है? चोट अक्षय को लगी थी पर भुगतना मुझे पड़ा था। याददाश्त जाने की वजह से मुझे पहचान नहीं रहा था वो। 15 साल मेरे साथ बिताने के बाद आंख खुलने पर जो पहला शब्द उसके मुंह से निकला था वो था अप्पू। अप्पू, आग लग गई थी मुझे वो नाम सुनकर। पिछले 15 दिन वो अपराजिता के साथ रहा, उसके घर में, उसके बेडरूम में, और ये सब हुआ क्योंकि तुमने। बस कीजिए मोहिनी आंटी, मैं कुछ बोल नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी मुझे। मुझे तो लगा था कि आप एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट वुमन, लेकिन नहीं, वो तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। भाई, पेंड्राइव दीजिए। क्यों? ताकि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सको? वीर, इसमें जो प्रूफ है ना, वो सीधा तुम्हें जेल पहुंचा सकता है। और कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें, यहां तक कि तुम्हारे डैड भी नहीं। And trust me, अगर उन्होंने कोशिश भी की ना, तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इसमें जो मटेरियल है उसे वायरल करके पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगी मैं उनका। मैं आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन अभी आराम से बोलिए। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी, तुम्हें होगी वीर। तो अगर तुम चाहते हो कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहे, तो सब कुछ सच सच बताओ मुझे। बताओ मुझे उस रात क्या हुआ था। I'm waiting, वीर। क्या हुआ था उस रात? वीर, यू डोंट टेस्ट माय पेशेंस। टेल मी उस रात क्या हुआ था। मामा, आपका प्लान तो सुपर्ब था। वीर, इनको लड़ाना हमारा प्लान नहीं बेटा, हमारे प्लान का हिस्सा है। मेहंदी लगाई ना इसे, अब इसका बैंड बजाना बाकी है। बोलो क्या हुआ था उस रात? ऐसे नहीं मानोगे तुम? क्या क्या कर रही हैं आप? मम्मी, अब तो इसे सारा सच बताना ही पड़ेगा।